सभी भाइयों को जय श्री राम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द सैनी फिल्म स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको राणा गुरदान सैनी जी के बारे में, जिसका दूसरा भाग। यदि आपने पहला भाग नहीं देखा हो तो ज़रूर देखिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। 7 जुलाई 1272 को रणथंभौर में एक नए सूर्य का उदय हुआ था, जिसका नाम था हमीरदेव चौहान, क्योंकि महाराजा जैत्र सिंह के पुत्र हुआ था हमीरदेव चौहान। इनके नाम पर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि जैत्र सिंह का यह पुत्र रणथंभौर को राज्य से साम्राज्य में परिवर्तित कर देगा। तभी से जैत्र सिंह ने अपने तीसरे पुत्र हमीर को रणथंभौर का शासक बनाने का निश्चय कर लिया। हमीर बाल्यकाल से ही चतुर, वीर और निडर थे। वे शीघ्र युद्ध कला में पारंगत हो गए। उनके बड़े भाई भी उनसे ईर्ष्या न रखकर उसे शासक बनाने का निश्चय कर लिया। सन 1282 में जैत्र सिंह का निधन हो गया। फिर 16 दिसंबर 1282 को हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक बने। इस समय उनकी आयु मात्र 10 वर्ष थी, लेकिन उनका लक्ष्य बहुत बड़ा था। उनका लक्ष्य दिग्विजय था। इस कार्य में उनका सहयोग मुख्य रूप से बड़े भाई वीरमदेव चौहान और सेनापति गुरदान सैनी ने किया। दिग्विजय अभियान में हमीर ने सर्वप्रथम भामरस के राजा अर्जुन को हराया, फिर मांडलगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, फिर परमार शासक भीमदित्य को हराया। इस प्रकार चित्तौड़, आबू, वर्दरपुर, पुष्कर, खंडेला, चंपा, कंकरीला, शिवपुरी, मालवा, मथुरा, भरतपुर, कोटा, शाकंभरी पर विजय प्राप्त करके वापस रणथंभौर लौट आया। वहाँ पर उन्होंने 9 कोटि के यज्ञ करवाए। अधीनस्थ राजाओं पर हमीरदेव चौहान से कर लिया जाता था। गुरदान सैनी की सलाह पर हमीरदेव चौहान ने दिल्ली सल्तनत की को कर देना बंद कर दिया था। हमीर ने गुरदान सैनी को वीर श्रेष्ठ राणा की उपाधि प्रदान की। सन 1290 में दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बना। यह महत्वाकांक्षी शासक था, जिस कारण उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया। आक्रमण का मन बना लिया। उसने रणथंभौर की कुंजी जाहिन दुर्ग छानगढ़ पर कब्जा कर लिया। हमीर को जब यह सूचना मिली तो उसने राणा गुरदान सैनी की को भेजा। राणा गुरदान सैनी 10,000 सैनिकों के साथ था और जलालुद्दीन खिलजी 80,000 सैनिकों के साथ था। फिर भी राणा गुरदान सैनी के नेतृत्व में सेना ने वीरतापूर्व मुकाबला किया और जलालुद्दीन ने छल का प्रयोग किया और एक अन्य सेनापति धर्म सिंह को धन का लालच में लिया और धर्म सिंह ने धोखे से पीछे से गुरदान सैनी पर वार किया, जिससे वे वीरगति को प्राप्त हो गए। जब हमीर को इस बात का पता चला तो उसने धोखा करने वाले सेनापति धर्म सिंह को अंधा करवा दिया। हमीरदेव चौहान ने अपने प्रिय और विश्वासपात्र सेनापति को खो दिया था। उनकी वीरगति पर महाराजा हमीरदेव चौहान ने कहा था, आज हमने एक अनमोल रत्न को खो दिया। राणा गुरदान सैनी जी के बाद उनके पुत्र गोविंद राम सैनी ने सैनी को महाराजा हमीर ने अपना सेनापति बनाया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर शेयर करें और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। हम ऐसी ही नई नई वीडियो इस
चैनल पर अपलोड करते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।